और दोस्तों अभी अभी की बहुत ही बड़ी और खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान के रास्ते अगले 3 घंटे में आएगा भारत में भयंकर तूफान। इन 18 राज्यों के लिए जारी हुई खतरनाक चेतावनी। और इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अरब सागर में बन रहा है चक्रवाती तूफान का हाई अलर्ट। भारत में मौसम विभाग ने जारी करी खतरनाक चेतावनी, कुछ ही घंटों में आएगा खतरनाक तूफान बिपरजॉय, इन राज्यों में मचा सकता है भारी तबाही। तेजी से आगे बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान। तो चलिए मित्रों जान लेते हैं किन किन राज्यों में आज क्या क्या मौसम विभाग का अपडेट बना हुआ है। अगले 24, 48 और 72 घंटों में देश के 18 राज्यों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं के खतरनाक तूफान के साथ ही कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। तो कई जगहों पर मौसम विभाग ने गर्म हवाओं का हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तो एक एक करते हुए सभी राज्यों के मौसम समाचारों की तरफ चर्चा करेंगे और साथ में यह भी देखेंगे कि किस किस राज्य में कितनी कितनी तारीख को मानसून पहुंच रहा है। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, आप कौन से गांव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए बात कर लेते हैं मौसम समाचारों की अपडेट की तरफ। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, नौकरी और व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, परेशानियां कब खत्म होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे गुरुजी आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना खुद का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर रिश्ता देख देख कर आखिर आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर में गृह कलेश या लड़ाई झगड़ा बना रहता है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मात्र 251 रुपए की फीस के साथ आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में आप जान सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, तेजी से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, अगले 24 घंटे इन राज्यों में मचा सकता है भारी तबाही। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जारी हुआ मौसम विभाग का अपडेट। उसी के साथ राज्यों से जुड़ी खबर भी जानते हैं। सबसे पहले राजस्थान की अगर बात करें तो बड़ी खबर है, राजस्थान में धूल भरा तूफान, चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़ में आंधी बारिश, चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में गिरेंगे ओले। आपको बता दें राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में मौसम एक बार फिर से बदल चुका है। 4 जिलों में चल रही तेज आंधी तूफान के मद्देनजर आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिससे अगले 3 दिनों तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में तूफान का प्रवेश होना बताया जा रहा है। और इसी के साथ राजस्थान के कई जिलों में बारिश के साथ ही धूल भरी आंधी भी चल सकती है और लगभग अगले 3 दिनों तक यही जो हालात है ना मौसम की वो बनी रहेगी। आपको बता दें बड़ी खबर है, राजस्थान में तबाही मचाएगा आंधी तूफान, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं, 36 घंटे होंगे बहुत ही ज्यादा अहम। तो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण राजस्थान में 7 जून से लेकर 10 जून तक जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, इन सभी संभागों में तेज बारिश के साथ ही अंदर चल सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि अरब सागर में लो प्रेशर एरिया चक्रवाती तूफान की संभावना, मौसम विभाग ने गुजरात के कई क्षेत्रों में जारी किया अलर्ट।
आपको बता दें मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के मद्देनजर गुजरात में अरब सागर के अंदर बने कम दबाव के मद्देनजर सभी बंदरगाहों को चेतावनी भरे संकेत जारी हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी है कि मछुआरे गहरे समुद्र में नहीं जाएं। अगले 24 घंटों के मद्देनजर पूर्वी मध्य अरब सागर और इससे सटे दक्षिण पूर्वी अरब सागर के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ही तूफान टकराने की आशंका है और ये तूफान गुजरात में कुछ ही घंटों में प्रवेश करने जा रहा है। चक्रवाती तूफान का नाम रखा है बिपरजोय तूफान, जो कि बहुत ही तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। मछुआरों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी हुआ है। अगले 24 घंटे में दोस्तों गुजरात के बंदरगाहों को चेतावनी भरा अलर्ट जारी करके मौसम विभाग ने सचेत किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में बारिश के मद्देनजर फिर से हुआ बिजली संकट, मौसम विभाग की चेतावनी ने बढ़ा दी परेशानी। मुख्यमंत्री मान ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। आपको बता दें दोस्तों पंजाब में एक बार फिर से बिजली का संकट गहरा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब में इस बार बारिश कम हुई है और बारिश के कारण मित्रों इन दिनों धान की बुवाई चल रही है और धान के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में इस बार कम बारिश होने के कारण बिजली संकट के आसार भी जताए हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। 42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा बंगाल का पारा, अगले 5 दिनों तक चलेगी गर्म हवाएं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। अलीपुर मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी से झुलसती स्थिति से फिलहाल राहत के आसार नहीं है और अगले 5 दिनों तक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज गर्म हवाएं चलने के आसार है। चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड के मौसम समाचारों की तरफ। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 12 साल का, ऑप्शन बी 14 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारे ज्योतिषवाणी टीम के द्वारा और उसे दी जाएगी 108 मनकों वाली एक शुद्ध तुलसी से बनी हुई माला, वो भी मित्रों बिल्कुल फ्री। तो फटाफट से वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस का आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। अगले 10 दिन फिर से बढ़ेगी गर्मी, बिजली की हो सकती है किल्लत, शुरू हो चुकी है कटौती। तो दोस्तों उत्तराखंड में एक बार फिर से मानसून जो है वो कुछ थोड़ा सा सूखा नुमा बन रहा है और अभी जून की शुरुआत की बात करें तो बिजली की मांग 4.4 करोड़ यूनिट पर चल रही है और इसकी पूर्ति करने में लगभग असक्षम बताए जा रहे हैं। ऐसे में अगले 10 दिन तक गर्मी बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं और जिससे बिजली की किल्लत पैदा हो सकती है। चलिए अगली खबर है। 20 जून के बाद हिमाचल में मानसून के दस्तक देने की संभावना, किसान और बागवानों की चिंताएं बढ़ी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मानसून के इस बार 20 जून के बाद दस्तक देने का अनुमान जताया है। हालांकि अभी मानसून केरल पहुंच रहा है और प्रदेश में अभी प्री मानसून भी नहीं आया और वर्षा आंधी और ओलावृष्टि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है, बाकी अभी मानसून की बारिश नहीं है ये। अच्छा, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। यूपी के इन जिलों में होगी आज झमाझम बारिश, कुछ जिलों में चल सकती है तेज तूफानी हवाएं। आपको बता दें अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अगले 48 घंटों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ ही 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है और इसके अलावा गरज के साथ छींटे भी पड़ने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले 2 से लेकर 3 दिनों के मद्देनजर वाराणसी, लखनऊ, आजमगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर सहित लगभग 43 जिलों में गर्म हवाओं के साथ ही बारिश चलने की संभावना बताई जा रही है। चलिए झारखंड से बड़ी खबर है। झारखंड में रुला देगी भीषण गर्मी, गोड्डा का तापमान पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस के पास, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आपको बता दें पश्चिमी दिशा से आ रही गर्म हवाओं के थपेड़े के मद्देनजर झारखंड की धरती लगातार तप रही है। बीते कई दिनों से बारिश के बाद मौसम बदल गया है। राज्य के सभी जिलों का तापमान लगभग 40 डिग्री से लुढ़क कर 30 से 35 डिग्री पर पहुंच गया था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में एक बार फिर से गर्मी उफान पर है। आज के तापमान की अगर बात करें तो झारखंड में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच चुका है। उसके अलावा लगभग कई राज्यों में मानसून में देरी बताई जा रही है। इस बीच जान लेते हैं अगले 24 और 48 घंटों के मद्देनजर कहां कहां पर दोस्तों तूफान की संभावना बताई जा रही है, मानसून का जो अलर्ट जारी हुआ है। उसके अलावा फिर अंत में यह भी जानेंगे कि किस किस राज्य में इस बार मानसून किस किस तारीख से पहुंचने जा रहा है। आपको बता दें दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर बना हवा के तेज दबाव के कारण पिछले 3 घंटों के दौरान एक भयानक सर्कुलेशन बन रहा है जिससे चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है और इस तूफान को बिपरजोय नाम दिया है, जो कि दोस्तों चक्रवाती तूफान बिपरजोय मुंबई से करीब 1100 किलोमीटर और गोवा से 950 किलोमीटर दूर अरब सागर में कम हवा का दबाव बन रहा है। और ये चक्रवाती तूफान दोस्तों देश के कई राज्य जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में चक्रवात के कारण भारी बारिश की उम्मीद करवा सकता है। तेज हवाओं से बिजली गुल हो सकती है और संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। अगले 24 घंटों की अगर बात करें तो चक्रवाती हवाओं के मद्देनजर राजस्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों पे कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण छत्तीसगढ़ और कई जगहों पर दोस्तों तूफानी हवाएं चल सकती है। तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ ही पूर्वी बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़ में
गर्म हवाओं के साथ ही कई जगहों पर तूफानी गतिविधियां भी बन सकती है। मौसम विभाग की एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के मद्देनजर तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना होगी, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से लेकर मध्यम और शेष जगह जैसे कि सिक्किम, असम, मेघालय और पश्चिमी हिमालय के कई हिस्सों में हल्की मध्यम तो कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान के कुछ हिस्से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में धूल भरी आंधी की संभावना है, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की लू चलने की संभावना है। चलिए जान लेते हैं मित्रों, किन किन राज्यों में कब कब मानसून का आगमन बताया जा रहा है। इस बार मानसून के दस्तक में थोड़ी सी देरी बताई जा रही है। गुजरात के कुछ इलाकों में 20 जून तो कुछ जगहों पर 25 जून को मानसून आ सकता है। मध्य प्रदेश में 15 जून और 20 जून को मानसून की संभावित तारीख बताई गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 25 जून को मानसून की संभावित तारीख है। बिहार में 15 जून, उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में 15 जून तो कई जगहों पर 20 जून भी बताए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगभग 30 जून को यहां पर मानसून की एंट्री होगी। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी 30 जून को मानसून की बारिश हो सकती है, तो वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में 25 जून और 5 जुलाई को भी मानसून के पहुंचने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 25 जून और उत्तराखंड में 15 जून के आसपास दूसरा मानसून आने की संभावना होगी। केरल में इस बार 4 जून को मानसून आने की संभावना थी, लेकिन 3 दिन लेट होने के कारण केरल में 7 जून के दिन ही मानसून की दस्तक बताई जा रही है। वैसे आपके अपने राज्य का नाम क्या है, आप अपने राज्य का नाम जरूर बताएं ताकि आपके यहाँ पर मानसून कब आएगा उसके बारे में हम आपको अपडेट दे सके। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।